गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश एलआईटी का वर्कशीट वन करने वाले हैं। हमने सारा चैप्टर कर लिया है और आज हम वर्कशीट वन स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर मार्क दिस नाउन एज कॉमन नाउन एंड सी और प्रॉपर नाउन एज पी। ओके, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन इन नेचर, मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अ बॉय। ओके, बॉय एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय तो बहुत सारे हैं, है ना। और अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो बॉय, ओके, बॉय में से एक नाम है मान लो राम, तो राम एक प्रॉपर नाउन है। ओके, सो नंबर वन अनन्या, अनन्या एक पर्सन का नाम है। पी प्रॉपर नाउन, माउस कॉमन नाउन, विंडो ऑल्सो कॉमन नाउन, जयपुर प्रॉपर नाउन, नाइफ कॉमन नाउन, हरजीत प्रॉपर नाउन, हिमालयस प्रॉपर नाउन, मिल्क कॉमन नाउन। ओके, देन नंबर वी सेपरेट दिस कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द मटेरियल नाउन। इस बॉक्स में है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन सेम एक ही बॉक्स में है, तो यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, तो दोनों को अलग अलग करना है। कलेक्टिव नाउन मतलब जो कलेक्शन हो, मतलब एक कलेक्शन, चाहे वो थिंग्स का हो, पीपल का हो, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो। और मटेरियल मतलब मान लो जैसे कि कोई भी मटेरियल हुआ, जैसे कि पेंसिल जिससे बनता है वुड, तो वुड एक मटेरियल है। जैसे कि पेपर से कॉपी बनता है, उसे मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो फैमिली इज ए कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। स्टोन एक मटेरियल नाउन है। आर्मी कलेक्टिव नाउन। देन आयरन एक मटेरियल नाउन। ग्रुप, चाहे ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है होगा या फिर कुछ भी ग्रुप। ओके, देन फ्लॉक इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। देन कॉटन इज मटेरियल नाउन। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। वुड मटेरियल नाउन। क्राउड मतलब लोगों की भीड़, ओके, कलेक्टिव नाउन। प्लास्टिक मटेरियल नाउन। पेपर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। ओके, देन नंबर सी, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप्स। एक ग्रुप है जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये एक ग्रुप है। एक ग्रुप के को एक नाम देना है, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये क्या है, शेप्स, तो हम शेप्स देंगे नाम। देन पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, ये भी ग्रुप है, इसको हम स्टेशनरी देंगे। STATIONERY स्टेशनरी। देन अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर, ये प्लैनेट्स हैं। PLANETS प्लैनेट्स। शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, स्कर्ट, ये कपड़े हैं, क्लोथ्स, CLOTHES। ओके, नंबर डी में दिया गया स्टोरी लिखना, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।